स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया के बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं स्वाति, और आइए रुख करते हैं आगे की तमाम बड़ी खबरों को। यूपी के हरदोई जिले में थाना लोनार ग्राम पंचायत एजा में भदना से गदाईपुर तिराहा तक का रास्ता टूटा है। बारिश होने पर गड्ढे में पानी भर जाता है। 9 साल से जनता को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। ग्रामीण गरीब जनता ने सरकार से सड़क की मांग की। देखिए एजा से शिवम सिंह की रिपोर्ट। बाढ़ आने पर रास्ता जाता है, वह सरकार बंद कर रही है जनता मांग। आप बताएं क्या पानी भरा रहता है? आओ आओ इधर आओ। क्या नाम है आपका? अच्छा, कहाँ रहते हैं? बदना में। अच्छा, ये रास्ता जो खराब पड़ा है कब से खराब है? कितने साल हो गए या कितने महीने हो गए? इसको 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। कोई बनवाने के लिए सरकार से कहा, सूचना दी सरकार को, कुछ बताया डीएम ने? डीएम ने या कोई कुछ नहीं बताया तो होगा, लेकिन बनवाई कोई नहीं रहा, कोई सहायता ही नहीं कर रहा है। और सरकार से यही मांग करना चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये रास्ता भदना से गदाईपुर तिराहा तक बने, है ना? क्या नाम है भैया? राघवेंद्र कुमार। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के तहसील पोरसा के ग्राम धनी राम कपूरा में सड़कें हुई पानी से सराबोर। बारिश इतनी तेज कि लोगों का घर से निकलना हुआ मुश्किल। सड़कों पर पानी जमा हो जाता है जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। समझ में ही नहीं आता कि सड़क कहाँ है और तालाब कहाँ। ऐसे में लोगों की मांग है कि हमारे गांव में पानी का उचित निकास करवाया जाए, नालियां बनवाई जाए, नहीं तो मध्य प्रदेश में आने वाले उपचुनाव में हम चुनाव का बहिष्कार करते हैं। हमारी मांगे पूरी की जाए, नहीं तो हम वोट देने नहीं जाएंगे, ऐसी लोगों की मांग है। देखिए पोरसा से सत्यवीर भदौरिया की रिपोर्ट। और कुछ इस बारे में कहना चाहोगे? इस पानी का निकास कुछ होना चाहिए, नाला बनवाना चाहिए। नाला बनवा होगा क्या है, सरपंच से बोलो, और ये जराई डंडा दिया है उससे बोलो, है वो आते नहीं गांव में, क्या करते हैं गांव में बैठ के। ये सब पानी की जो ये समस्या है इसका जो निजात हो जाए ऐसा लोगों का कहना है। तो मेरे साथ मेरे भाई इन सब ने ये बताया कि यहाँ पर पानी की बहुत बड़ी जो है समस्या है। यूपी के हरदोई जिले में संडी तिराहा से शाहबाद तिराहा तक प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत चल रहा है तेजी से सड़क निर्माण कार्य, और इस कार्य से क्षेत्र व ग्रामीण जनता में खुशी की झलक दिखाई पड़ी। देखिए जैसे शिवम सिंह की रिपोर्ट। हाईवे बन रहा है, कार्य चल रहा है तेजी से, सभी ग्रामीणों व आने जाने वालों को नहीं होगी असुविधाएं। काफी समय से टूटा हुआ ये रास्ता अब सरकार के द्वारा बनवाया जा रहा है। भैया इधर आइए, आगे ले जाओ आगे। क्या नाम है तुम्हारा? अनुराग। अच्छा, ये रास्ता कितने दिनों से खराब पड़ा था? अब ये बन रहा है, सभी लोगों को जो है आने जाने की दिक्कतें नहीं होंगी। अच्छा, देखें फास्ट न्यूज इंडिया से शिवम सिंह की रिपोर्ट। यूपी के जनपद हाथरस के थाना सिकंदरा राव के थाना नकला महर्षि में नहीं हो रहा है कई सालों से विकास कार्य, जिसमें लोगों को हो रही है दिक्कतें और जगह जगह पर पानी भरा हुआ है। वहां लोगों को निकलने में भी दिक्कतें होती हैं, और वहां के ग्राम प्रधान मयंक यादव उर्फ सिट्टू यादव कोई भी कार्य नहीं करा रहे हैं। देखिए सिकंदरा राव से नरेश कुमार की रिपोर्ट। नंगड़ा महर्षि ने कई वर्ष से नहीं हो रहा कोई कार्य, आते ही ग्रामवासियों से मिलाते हैं। ठीक है, प्रधान जी से सरकारी शिकायत कोई सुनवाई नहीं है? बोल। हेलो, बोलो। प्रधान जी से कई बार शिकायत की है, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है? कोई खरंजा की कोई शिकायत सुनवाई नहीं करी है। पानी खरंजा पे चलता रहता है, नाली बंद, नाली में बंदा पड़े हुए हैं। कोई ताला पोखर नहीं, कोई ताला पोखर नहीं है। उल्टा पानी लौट के उल्टा पानी घरों के लिए वापस हो रहा है। बच्चों को स्कूल में जाने में परेशानी आ रही है, स्कूल में पहुँच नहीं पाते हैं। सर आपका नाम? राजेश कुमार। और प्रधान का क्या नाम है? मंथन चौधरी यादव। मंथन चौधरी तो आवाज़ है, आवाज़ है। मंथन चौधरी सीपू यादव। सीपू यादव गांव लालगढ़ी।
लालगढ़ी वाले कई बार इस मामले में पानी के मामले में खरंजा के मामले में शिकायत की, लेकिन हमारे यहाँ कोई सुनवाई नहीं। घरों का पानी वापस आ रहा लेकिन पानी जाए कहाँ पर? नाली में बंदे पड़े हुए और मिलाते हैं पानी के लिए, आगे तो कोई शिकायत नहीं है। भाई आपका नाम क्या? सुरेश कुमार। अच्छा, तो आपने प्रधान को शिकायत की या नहीं की? शिकायत तो किया था, एक बार सफाई भी होगी इसकी, नाली की सफाई होगी, सफाई करने टाइम पर कोई नहीं आया, बाद में आए बंद, बाद में वो निकले, उसके बाद ही तुरंत बंदे लग गए। पानी के लिए कोई व्यवस्था नहीं? पानी के लिए आगे तारक तो है नहीं कुछ। और माता जी आपका क्या नाम है? मीना कुमारी। हमन तो सीपू प्रधान जी से बहुत शिकायत करी पर हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। वे आते हैं चाची हमारे साथ, चलो चाची तुम्हारे साथ कहाँ जाए। इसकी शिकायत की, मेरा कहना माननीय श्री योगी जी से और माननीय श्री नरेंद्र मोदी से, इस गांव की कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और काम जल्दी से जल्दी हो। धन्यवाद। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिला के खाचरोद थाना अंतर्गत ग्राम नगर किसानों की समस्या ने सरकार की चिंता बढ़ाई। नागदा खाचरौत विधानसभा में खराब फसलों का निरीक्षण करने सांसद फिरोजिया पहुंचे। पिछले वर्षों के बीमा राशि की आवाज भी सांसद के सामने उठी। उज्जैन जिला सांसद अनिल फिरोजिया ने बुधवार को शासकीय अमले के साथ नागदा खाचरौत विधानसभा क्षेत्र की ग्रामीण क्षेत्र का दौरा किया, किसानों की फसलें खेतों में जाकर फसलों का निरीक्षण भी किया और इस दौरान सांसद के साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, वरिष्ठ पदाधिकारी गण, पूर्व विधायक एवं नेतागण साथ में उपस्थित रहे। सांसद उज्जैन प्रातः 11 बजे तक हताई पालकी पहुंचे, किसानों से चर्चा कर फसलों का मुआयना कर गिंदवानिया, फंटा, बिरिया खेड़ी, लेकोड़िया, घिनौदा, घुड़ावन, बहलोला, पानवासा, नरेड़ी पाता, रूनखेड़ा, कनवास, नरसिंहगढ़, अर्जला और मड़ावदा पहुंचकर किसानों से मुलाकात कर उनके दर्द को समझा। देखिए नापाखेड़ से मुरलीदास बैरागी की रिपोर्ट। कौन सा गांव साहब ये? ग्राम पंचायत बेड़ावनिया। क्या नाम आपका? भगवान सिंह, सरपंच। सरपंच साहब बताइए, आपके गांव में ज़्यादा समस्या, अभी सांसद जी आए थे, क्या आश्वासन दिया, क्या बोल के गए खेतों को, फसलों को देख के और विकास के लिए? पूरे ग्राम के सभी किसान भाइयों ने पूरी फसल नष्ट हो गई है और सभी पूरा गांव बिट गया है और इसमें सांसद महोदय से सब पूरे सैंपल भी बताया है कि सोयाबीन में कुछ हल फल नहीं है, उसका कारण हमको सभी को कृपा क्या क्या बोल के गए सांसद महोदय इसको देखते हुए? मतलब हम आपका संशोधन करेंगे, वो आपका पूरा सहयोग करेंगे तन मन से, आपको बीमा राशि से हर उपयोग हम पूरा दिलाएंगे। अच्छा, गांव के विकास के लिए आपने कुछ मुद्दे उठाए थे क्या? बहुत अच्छा विकास के लिए मैंने मांग रखी है कि गांव के विकास, बड़ा गांव है, अच्छा आबादी है हमारे और कुछ हमको कुछ विकास बहुत अच्छा रहेगा कि हम भी इसका प्रयास करके हमको आपको पूरा करेंगे। मतलब आपकी जो मांग दी उन्होंने मंजूर कर दी अभी? यस, करा ना, वो मांग रही कि हम आपका विकास के पूरा सहयोग करेंगे, मदद करेंगे और पूरा काम करेंगे। ये कंडीशन है सब इसकी? हाँ, ये कंडीशन है ये वाली। देखो हाँ साहब, आपकी हाँ महोदय, थोड़ा वहीं पर ध्यान दीजिए आप, हमारा थोड़ा सब जरूरी है। तो बीमा तो मिले लेकिन हमको राहत रानी है, ये हम मांग कर रहे हैं, ठीक है, आप घबरा मत, हम राहत रानी है। ये गांव भी ऐसे ही लोग सब खेल रहे हैं, तो इतना के समाचार, आगे कुछ खास खबरों के लिए बने रही फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।